तो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं अपना गेम जो है कार फॉर सेल। तो कल के एपिसोड में आपने देखा था, हमने गैरेज बनाया अपना, जो किंग्स गैरेज था। मैं उसका नाम वैसे भी चेंज करने वाला हूँ, आप अगर कुछ नाम मुझे बता दो कमेंट्स में तो बेहतर रहेगा। फिर मैंने उसमें दो कार्स खरीदी, प्योगॉट 501G कुछ थी, बट उस कार में ना मस्त सा इंजन लगा हुआ था, फिर मस्त से ड्रिफ्टिंग हमने की थी, काफ़ी मज़ा आने वाला था। उस वीडियो में आपने जाके देख लो अगर कुछ देखा नहीं। तो आज के वीडियो में हम क्या करें, और भाई साहब कल हमने एक ना ऑडी Q7 हमने उसमें कुछ खो दी थी, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में डील चले गई थी ऑडी Q7 वाली। तो आज हम देखते हैं ऑडी Q7 हमें मिल जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि ऑडी Q7 इंडिया में तो गाइस कम समवेयर अराउंड 1.25 करोड़ की है, तो 1.25 से 1.5 करोड़ की है। अगर मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा SUV पर। फिर आपने देखा था हमने एक ट्रक लिया था गेम में, जो फूड डिलीवर या डिलीवरी ट्रक जो बोलते हैं उसको हमने लिया था। तो आज हम देखते हैं उसका हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि फूड डिलीवरी ट्रक तो मैंने पहली बार लिया है गेम में। तो आई डोंट नो गाइस इसमें क्या होता है कैसे नहीं। तो इधर तो कुछ वो 407 चलती है जो ट्रक आती है यार, और एक वो जो इंडिया वाली ट्रक्स जो आप देख लो, मतलब पिकअप ट्रक्स बोल रहा हूँ मैं, पिकअप ट्रक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो होते हैं ना वो ट्रक्स वही देख लो। तो गेम में हम आ चुके हैं, तो एक मस्त सी इधर गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं इसे जाके एक बार पूछता हूँ ये कौन सी गाड़ी है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये ह्यूंडई सैंटेफी है जो इन लोगों ने नाम चेंज करके उदय हंडाई सेंट्रा फी डाल दिया, ठीक है ह्यूंडई सैंटेफी है, तो काफ़ी मस्त सी गाड़ी है, 4x4 के साथ आती है। तो मेरे चैनल में गेम प्ले देखने का यही फ़ायदा है आपको, मैं बताता हूँ खुद से, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा चैनल में वीडियो देखने का यही फ़ायदा है आपको। मैं गाड़ियों के सारे मतलब हर चीज़ बता देता हूँ, गाड़ी में जितना भी गाड़ी के बारे में पता है मैं सब बता देता हूँ। अगर गाड़ियों के बारे में कुछ जाना है तो आप देख लो बस। इधर कुछ ट्रक उल्टा पड़ा है क्या, आई डोंट नो इसका क्या है उल्टा। अबे ये तो हमने कर लिया था ट्रक, ये अभी हमारे पास सिर्फ $2,316 ही बचे हैं, तो आई डोंट थिंक सो हमें इसमें कुछ भी मिलेगा इतने कम प्राइस में। भाई मिल जाएगी छोटी मोटी गाड़ी, बट हमें वो नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा देख रहे हैं कुछ डिमांडेबल थिंग्स जो काफ़ी जल्दी बिक जाए आपके पास, क्योंकि प्रॉफिट भी बनाना है गाइस। ये गेम ऐसे सिंपली खेलते रहेंगे तो होगा नहीं, हमें प्रॉफिट प्रॉफिट ठोक मत यार भाई, मेरी क्या गलती थी इसमें। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, छोक ठोके जा रहे हैं, मतलब हद होती है। मैं क्या सब मैं कुछ खड़ा हूँ, ये लोग ठोक ठोक के जा ही रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते क्या भाई, छूट गया। ठीक है कुछ बैड वर्ड्स कार वाज डैमेज, अबे कुछ अजीब सी चल रही है गाड़ी, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है इसमें। ठीक है मैं लेके चलता हूँ ऐसे तैसे करके, हम देखते हैं कुछ भी हो जाए, अभी इसको लेके तो चलना ही है। अरे पेड़ पे ठुकी यार, कुछ तो ना इसमें ना लोचा है। ऊपर से मेरा ऑफिस भी अभी क्लोज पड़ा, मैं अभी तक ऑफिस भी खोला नहीं, जाके मुझे ऑफिस खोलना पड़ेगा। से निकलते निकलते हम यहाँ पे एक मस्त सी कार खड़ी है, ये शायद बेच रहा है इस कार को, बाद में के देखते हैं इसको। अभी मुझे ठोकेगा, अच्छा भाई अच्छा अच्छा। उफ, चलो हम फाइनली हाईवे पे तो पहुँच गए, तो अभी हम चलते हैं अपने गैरेज। तो ये रहा मेरा घर, कुछ लोगों को मैंने कहा मैं घर गया, तो यही रहा मेरा घर। हम अभी कंटेनर में रहते हैं, घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अरे अभी वो ठीक चल रही है गाड़ी है, इतना नहीं आया था, मतलब ये इतने हैवी होते हैं ना तो इसमें ड्रिफ्ट करना बहुत मुश्किल, और वैसे भी स्पीड बहुत कम थी, ड्रिफ्ट करने के लिए मोस्टली हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है, स्पीड और बैलेंस की। तो अभी देखो 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 नहीं हुआ, मतलब स्पीड नहीं थी, बस 50-60 की स्पीड जा रही थी, तो इसमें ड्रिफ्ट कहाँ से होगी। कार एक्शन तो ठीक है, अभी कार एक्शन पे तो कुछ भी नहीं है, अभी जंकयार्ड हम पहुँच गए, तो अभी मैं चलता हूँ उसमें कुछ रिपेयर करना है शायद, या मैं इसको वैसे डायरेक्ट भेज दूँ। पहले देखते हैं रिपेयर का खर्चा कितना आने वाला है। ओ भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे किसी इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि कामों का फालतू में खर्चे नहीं करना। अभी देखो सिमुलेटर गेम का, सिमुलेशन गेम का यही होता है एडवांटेज, आप कुछ भी करो मतलब पूरा रियल लाइफ की तरह, मतलब कि कैमरा एंगल्स भी कर रहा है। अभी ये गेम बहुत नया है, तो शायद ये गेम के अपडेट के साथ देखिए जो नहीं कर लेकिन देखिए प्लीज़ टेक इन सबमिट करें, ठीक है मैं इसको जाके वैसे ही हो गया, मुझे इसको मिडल मिला। पर ये कैमरा एंगल्स इतने घटिया क्यों आ रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैमरा एंगल्स इतने घटिया क्यों है यार। कैमरा एंगल्स इतने घटिया, मतलब गेम का शायद कुछ फाइल का इशू होगा या कुछ गेम में इशू होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। शायद ये कार्स को ही रिपेयर करते हैं ये, इन सब जगह ट्रक्स को,
आई डोंट नो, मैं जाके देखता हूँ क्योंकि मैं पहली बार ट्रक खरीदा हूँ इसमें। बट इसके ट्रक्स के अलॉय व्हील्स देखो गाइस, डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं है, मतलब ऐसे अलॉय व्हील्स ह्यूंडई में मिलता है, मतलब ह्यूंडई i20 में इसमें। तो ठीक है, ये 237 पूछ रहा है, मैं इसको रिपेयर कराता हूँ, देखते हैं। 5% आगे से, 5% पीछे से, हमने इसको ठोक दिया था पता है मुझे। जब तक ये रिपेयर करें हम चलते हैं जंकयार्ड पे, देखते हैं कुछ है क्या जंकयार्ड में, क्योंकि जंकयार्ड में अक्सर कुछ ज़्यादा मिलता ही नहीं है, पता नहीं मुझे बाद बाद में मिलेगा या ऐसा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा क्या, पहले मेरे ऑफिस खोलता हूँ क्योंकि मैं, हमने ऑफिस खोला नहीं अभी, मुझे नाम भी चेंज करना है। आप लोग जल्दी कमेंट करके बता दो नाम क्या रखें हम किंग्स गैरेज का। मुझे गैरेज रखना कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि रिपेयर शॉप हो जाएगी, गैरेज अगर रखेंगे तो हम, तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें कूड़ा कौन फेंक के जाता है भाई, इधर कल भी मैंने देखा था कूड़ा पड़ा था इधर, तो ये क्या वैसे ही आ जाता है क्या कूड़ा इसमें? तो शायद एक कॉइन्स देने के लिए हमें कूड़ा देते हैं। अबे ले ले भाई। इसमें ना बहुत ही नए नए गेम्स में यही होता है, और ऊपर से मेरा मॉनिटर बहुत ही अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, तो थोड़ा सा ना अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू हो रहा था, इतना लंबे मॉनिटर से मैं खेलता हूँ ना। तो जिन लोगों को नहीं पता मेरा अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, आप मेरा जाके पूरा पुराना वीडियो देखो, मैंने मॉनिटर के बारे में हर चीज़ बता दिया है, काफ़ी मस्त सा मॉनिटर है। अभी मैं प्रमोट नहीं कर रहा मॉनिटर को, बट जो भी मैंने यूज़ किया वही बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, मतलब प्राइस के रेंज में अच्छा है, बस अब देखिए वीडियो देख लो पता चल जाएगा आपको, या अभी सर्च करेंगे तो मेरा ही चैनल आएगा शायद। इधर कोई और गाड़ी भी रिपेयर हो रही थी, तो शायद मेरी ट्रक रिपेयर हो चुकी है, मैं अभी लेके चलता हूँ इसको। मैंने ना इंजन ही ऑफ नहीं किया इसकी, अभी रिवर्स धीरे धीरे लगाते हैं, धीरे 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 धीरे। मैं मुझे किसी कैमरा एंगल नहीं मिलता, मुझे मैं जाकर वैसे ही खड़ा रहता हूँ। रुक जा ब्रो। नहीं, मैं थोड़ा अभी पीछा। बस थोड़ा सा, बस। इसके लिए ना डॉक्टर पार्किंग हमें, अभी मुझे इग्निशन ऑफ करना, मैंने कहा मैं कल भी देखा था, मैं हमेशा इग्निशन ऑफ ही नहीं करता, वैसे आ जाता हूँ तो पूरा खामोखा डीजल वेस्ट होता रहता है इसमें। अभी मुझे इसको सेल पे लगाना है, मैं देखता हूँ मैं कितने में लाया था, ये मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितने में लाया था ये। ठीक है, अभी ये है 2001 की डिलीवरी ट्रक, फिर नॉट ऑन सेल, हम इसको सेल पे लगाते हैं। बाइंग प्राइस हमने 5000 पे लिया था गाइस, ओह फक, 5000 पे लिया था हमने। ठीक है, अभी हम इसको सेल पे लगाते हैं, मैंने इसमें कुछ डाला ही नहीं, रिमूव फ्रॉम सेल। ठीक है, अभी हम इसमें प्राइस सेट करते हैं, 5000 के मिली था, फिर दो हम क्या करते हैं 7200 डालते हैं, $7200। फिर हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, पुट इट ऑन सेल। ठीक है, फिर हम चलते हैं बाहर, देखते हैं अगर आज कुछ कस्टमर्स आए तो। अभी से शाम बज रही क्योंकि 6:51 मतलब 7 बज रहे हैं, आई डोंट नो अभी कस्टमर आएंगे या नहीं। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक चक्कर मार के आता हूँ। तो वेल ठीक है, अभी गैरेज के पास कोई भी आया नहीं, अभी 7 बज चुके हैं, बहुत जल्दी इसमें टाइम चला जाता है गाइस। मैं क्या कर रहा हूँ अभी ऑफिस बनने पे चलते हैं, इसको मुझे शायद कल ही भेजना पड़ेगा। मैं कल क्या करता हूँ, सुबह के एक बार यहाँ पे विजिट करता हूँ, फिर मैं सीधा जाके एक लेते हैं, या अभी जाके हम कुछ परचेज कर लेंगे। अभी 8 बजने में बहुत टाइम लगा है, मतलब बहुत टाइम है, अभी 8 बज चुके हैं, तो देखो रात हो गई। तो अभी हम ऑफिस बंद करके घर चलते हैं, जाके सो जाता हूँ मैं आज, क्योंकि ये कल हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो होपफुली अभी हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर रात भर मैंने ऑफिस वगैरह खुला छोड़ दिया तो क्या पता शायद इसमें चोरी वगैरह भी हो जाए, तो आई डोंट नो चोरी होगी या नहीं। बट मैं अभी कंटेनर चलता हूँ, जाके सो जाते हैं, कुछ मस्त सा नींद मारते हैं। कहाँ गया मेरा कंटेनर, मेरा शीश महल? मैंने थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ डिस्प्ले पे ना, मैंने गेमिंग मोड सेट नहीं किया, क्योंकि इसमें ना एक मस्त सा ऑप्शन है कि अगर मैंने गेमिंग मोड सेट कर दिया तो मस्त अंदर ही में गेम चला चला दिखता है मुझे। तो ऑलराइट, ये रहा अपना आशीष महल, हम जाते हैं सोने। तो वही हमारा बहुत नुकसान होगा, हमने कुछ कमाया नहीं मोस्टली, तो इसलिए वो ही है। तो फाइन, अभी हम जाके इसको ना पॉजिटिव पिलाते हैं पूरा, $5,250 हमें पॉजिटिव पिलाना है। होपफुली अगर वो 7000 पे बिक जाएगी ना तो काफी मस्त रहेगा। 11 AM मिल स्टार्ट, मैं मुझे जल्दी से जाके आज ये करना है, एक्शन स्टार्ट होना है 11 AM पे, देखते हैं अगर एक्शन में कुछ मिल जाए तो। बट आई डोंट नो, अगर कुछ 2,500 में मुझे मिल जाए तो। ऑक्शन विल स्टार्ट एट 11 AM, मुझे शायद इसकी टिकट भी लेना पड़ेगा। अबे ये फिर से इधर कूड़ा कौन फेंकेगा भाई, क्या हद करते थे यार। कलेक्ट ट्रैश,
मुझे इस चीज़ की आदत करनी पड़ेगी क्योंकि इधर बहुत कूड़ा पड़ता है। कूड़ा मतलब यही पड़ता है जो कुछ कॉइन्स है। रात में मैं तो नहीं रहता, कौन आके रहता है इधर मेरे गैरेज के पास। हाँ, गाड़ियाँ देखने चलते हैं अभी। मैं आपको कुछ गाड़ियाँ दिखाता हूँ। टेक ए ब्रेक एंड प्ले गेम्स। रेड बार अभी नहीं जाना चाहिए, अभी गैस स्टेशन पर हमारे पास है तो कार मार्केट ही चलते हैं। देखते हैं कुछ कार सस्ती वस्ती कार मिल जाए तो ठीक रहेगा। अभी 2000 ही बचे हैं। आई डोंट थिंक सो 2000 में कुछ कार्स मिलेंगी, बट कार मार्केट पे कुछ भी नहीं है, मतलब कार मार्केट ही खुला ही नहीं अभी तक। कार मार्केट खुलाएंगे तो नई बार उठ चलते हैं हम अभी। खामोखा में इतना फालतू का मतलब घूमो फिरो में क्या हो रहा है पता है आपको। ये कुछ अच्छी कार लग रही है, कुछ होंडा सिटी या ह्यूंडई एसेंट लग रही है ना ये थोड़ा सा। यार हाँ यार, थोड़ा सा ह्यूंडई एसेंट लग रही है, बट ह्यूंडई एसेंट में सनरूफ नहीं था और नहीं बैक से तो ये होंडा सिटी लग रही है। देखेंगे अगर होंडा सिटी दे देगा तो काफ़ी अच्छा वाइब है इसका। हाँ होंडा सिविक है और शायद ठीक है। 2300 अभी मेरे पास 2030 पर 9 है तो शायद अभी थोड़ा पैसे ले आनी पड़ेगी तो ठीक है मैं देखता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम वही है गाइस, अगर आप कुछ छोड़ के जाओ ना तो फिर नहीं मिलेगी चीज़, मतलब काफ़ी मुश्किल है फिर से मिलना। ओ वाओ, BMW हैचबैक, शायद X1 या X2 कुछ होगी, देखते हैं इसका सीरीज़ 1। हाँ BMW सीरीज़ 1 ठीक है। इसका प्राइस बताओ। 9000 बोल रही है, तू जा भाई अभी 2500 जेब में रखे, 2500 भी नहीं 2000 जेब में रखे, मैं कहाँ से 9000 खरीदूँ। या बैंक से लोन वगैरह लेके हम ले सकते हैं शायद, बट मैं नहीं चाहता कि पूरा इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड करूँ चीज़ों को। क्या पता अगर वो ट्रक अगर कुछ बिका नहीं तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। इसको पूछते हैं, ये है फिएट 500 मिनी, मतलब फिएट की गाड़ी है। 16000 क्यों बोल रहा है भाई, 16000 क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब 2015 की गाड़ी है, कम चली है ठीक है 16000। ये बाजू वाली देखते हैं, ये कुछ वैगन है। देखो अगर ऐसी कार में कुछ पीछे एक ऐसा एक्स्ट्रा जो पोर्शन मिलता है उसको हम वैगन बोलते हैं, क्योंकि वैगन यानी कि फैमिली वैगन जो यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा चलती है, इंडिया में तो कुछ ज़्यादा नहीं चलती। शर्मा C10 8 8000 की बोल रही है। बुड्ढी बुड्ढी, तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए बुड्ढी? बुड्ढी को पता नहीं इतने पैसे क्यों चाहिए। अभी मैं चलता हूँ सीधे ऑफिस पे जाके, कस्टमर का वेट करते हैं क्योंकि कस्टमर इज़ इन ऑफिस भाई, कस्टमर ऑफिस पे है, मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा। मैं देख ही रहा था कस्टमर ऑफिस पे आया है या नहीं, बट कस्टमर ऑफिस पे है, देखते कितने लोग हैं। जाके मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कितने लोग खड़े हैं? बस एक ही बंदा खड़ा है क्या? मैंने सोचा कुछ 10-12 लोग आ चुके होंगे तो पहले इसी से पूछते हैं। हाँ भाई बता क्या रेट देगा तू? ए ब्रो, हे ड्यूड, ट्रस्ट मी, यू नीड बाय इन दस कार। 7200 बोल रहा हूँ मैं, सेल कर दूँ क्या? 2300-2200 मिल रहे हैं, मैं सेल कर देता हूँ। यू कैन ओपन स्किल फॉर पार्किंग ऑप्शंस। आई डोंट नो, मतलब मैं सोच रहा हूँ मतलब इसको दे दूँ 7200। मैंने लाइक लेके आया था 5000 पे, फिर मैंने 200 खर्च किया, फिर वो मतलब $1000 तो मिल रहे हैं, मैं दे देता हूँ, सेल कर देता हूँ। मतलब पता नहीं अबे और एक कस्टमर था क्या इधर, इससे पूछ लेता यार मैं, पता नहीं ये क्या दे रहा था। खाम खा ऐसे ही होते हैं मेरे काम ना, सीरियसली बता रहा हूँ, खाम खा काम होते हैं मेरे, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब बाबा समझ नहीं आ रहा, मैं इससे पूछ लेना चाहिए था यार फिर से। अबे शिट, चलो इस अगली बार से हम ना थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। मैं एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये इसने मुझे बोला था 8000 है मेरे पास, ये शायद 9000 बोल रही थी। अगर मिल जाएगी तो BMW मस्त सी बिक जाएगी, अलॉय व्हील्स भी अच्छे हैं इसमें, ABS लगा हुआ है। 9000 नहीं, मुझे बार्गेन अनलॉक, मुझे स्किल्स अनलॉक नहीं हुए शायद, मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा क्या स्किल्स को? मैं देखता हूँ मुझे स्किल्स कैसे अनलॉक करते हैं। तो वही गिने चुने गाड़ियाँ खड़ी हैं। मेरा बिजनेस पता नहीं इतना क्यों डल चल रहा है गाइस, चल तो रहा है बट आई डोंट थिंक सो ये चलेगा, मतलब इसको हम लेके देखते हैं। मुझे गाड़ियाँ ना 3-4 गाड़ियाँ एकदम खरीदनी चाहिए तभी बिकेंगे शायद। तो भाई दे दे भाई 8807, जिसको फिर से 500 कहाँ से लाऊँ मैं? नहीं मुझे ना कुछ करना पड़ेगा गाइस, बिजनेस बहुत कम चल रहा है। 16000 बोल रही थी, बिजनेस बहुत कम चल रहा है गाइस, बिजनेस बहुत कम चल रहा है, अभी कुछ करना पड़ेगा इसका। आगे जाके दो और गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं जाके देखता हूँ उनको। ये कहाँ यार, सिविक ले सकता हूँ ना मैं, सिविक मस्त है, सिविक ले सकता हूँ मैं। इसको एक बार पूछता हूँ, अगर ये दे देगा तो मस्त रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा बिकेगी क्योंकि मॉडल में है। और ये देखो अलॉय व्हील्स, मस्त स्पोर्ट्स किट लगी है अलॉय व्हील्स पे। कितने की दे रहा है भाई? स्कोडा ऑक्टाविया है ये, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसने ये दे दिया 38। औकात से बाहर है गाड़ी देखना ही नहीं है, मैं ये जाके यही लेता हूँ क्योंकि
मुझे पर्सनली भी ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप बोल लो मस्त तो है। पुरानी गाड़ियों का ना चलाने का मजा ही कुछ है। मैं बाय कर लेता हूँ, तू दे दे। अब मेरे पास बार्गिंग करने के भी स्किल्स नहीं है तो मैं ले लेता हूँ फालतू में खर्चे। अभी हम चलते हैं गाड़ी लेके। ऑन साउंड तो अच्छा आ रहा है, इसमें पीछे टोइंग हुक भी लगी है। गाड़ी अब तक तो ठीक चल रही है। अच्छा आया। अबे इधर भी है क्या मार्केट में? इधर तो आया ही नहीं। अच्छा यार पीछे भी था ये, मैं शायद मिस कर गया इसको। नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ इसको। अभी चलते हैं हम, इस गाड़ी को थोड़ा सा डायरेक्ट सेल पे लगाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉफिट पड़ा नहीं। ड्रिफ्टिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है गाड़ी में। थोड़ा स्पीड चेकअप करके देखते हैं सेकेंड गियर में जा रही है। देखो ESP अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ABS यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं। ABS यानी कि वो ब्रेक्स का ना वो ये होता है, उसको कुछ बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्रेक्स कुछ, बट ठीक से आप आराम। ओ टूट गई यार। मैंने सोचा इसको नहीं ठोक के मैं ड्रिफ्ट मारना चाहिए था। मैं ना खामोखा ड्रिफ्ट मार के मतलब अच्छा एक्शन यही होता है। मुझे इसको टिकट लेना पड़ेगा। अभी मुझे टिकट वगैरह छोड़ो भाई, पैसे नहीं है मेरे पास। है 5,900 रुपये बट उसका। अभी मैं इसको देखता हूँ, मैं जाके डायरेक्ट सेल पे लगाता हूँ इसको। मुझे रिपेयर वगैरह नहीं करना चाहिए उसको। मुझे ना कुछ लकी लग रहा है, क्योंकि मैं इस तरफ अगर गाड़ी खड़ा हूँ तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे। ऐसा कुछ है नहीं बट मैं सोच रहा हूँ लकी। ये गेम डेवलपर्स को ना कैमरा पे बहुत करनी पड़ेगी काम। ये कुछ फिल्टर्स गाड़ी ऑटोमेटिक हाफ होनी चाहिए थी भाई। ये मतलब अच्छा टो ट्रक भी है इसमें, तो मैं जाके गाड़ी टो करके भी लेके आ सकता हूँ, रिपेयर करके बेच सकता हूँ ना। तो मैं देखता हूँ उसका भी। अभी हम देखते हैं इस गाड़ी पे सेल पे, मतलब इस गाड़ी को सेल पे लगाते हैं। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, इतना लास्ट जेल जेल के अभी 2,300 में लेके आया हूँ मैं। मैं इसको क्या करता हूँ 3,500 पे बेचता हूँ, शायद बिक जाए। पुट इट ऑन सेल। अभी हम चलते हैं दूसरी गाड़ी लेके आते हैं, क्योंकि मुझे गाड़ियों को खड़ा करने का बहुत शौक है। अभी मैं चलता हूँ दूसरी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि पीछे वाली जो बिल्डिंग थी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पीछे वाली जो गली थी वहाँ पे मैंने देखा नहीं बहुत सारे गाड़ियाँ खड़े होते। ये वही BMW है तो ये देखा नहीं। वो 16,000 की थी। मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या? शायद मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इसमें ना GTFI की तरह ना कूद के जाने का होना चाहिए था ऑप्शन। ये स्कोडा ऑक्टोविया है तो ये हमें देगा नहीं, मार के भेजा, क्योंकि $40,000 बोल रहा है वो। तो मतलब पैसा है तो बहुत कुछ खरीद के बहुत कुछ बेच सकते हैं गाइस। अभी हमारे पास पैसा ही नहीं, बस 5,900 मतलब 6,000 रखे, क्या करें। इस गाड़ी को मैं देखता हूँ, ये वही छोटी वाली गाड़ी है, फीएट कुछ नाम था ना इसका। तो दे दे भाई, दे 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 5,000 के अंदर बोल, 5,000 के अंदर 7,000। एक तो ये फोर्ड की है और ऊपर से तू 7,000 बोल रहा है। यार पता नहीं मेरा प्राइस देख के लोग प्राइस बढ़ा देते हैं क्या? मतलब जब जब मेरे पास ना 3,000 होते हैं तब ये लोग बोलते हैं 4,000 की गाड़ी ये शायद मिल जाएगी। ये कुछ जिन की जैसा लग रही है, छोटी कार है, कुछ $1,000 में देते भाई। फिएट पैंटा कुछ है नाम, 2,200। हाँ ये मैं ले सकता हूँ। मैं फिर भी दूसरी दूसरी गाड़ियाँ देखता हूँ एक बार, कहाँ पता कुछ अच्छा डील मिल जाए मस्त गाड़ी पे, मस्त डील मिल जाए। तो ये BMW है, इसका डोर कुछ प्रॉब्लम है, ये शायद नहीं देगा, क्योंकि BMW Z3 स्पोर्ट्स का 20,000 बोल रहा है। 20,000 पे ले सकते हैं गाइस, ये गाड़ी को ले सकते हैं 20,000 पे। ये प्रॉपर विंटेज कार है, ये नहीं देगा ये। हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसके पास जाके टाइम वेस्ट भी नहीं करना मुझे। फिर मैं ये देखता हूँ, ये गाड़ी भी सेम गाड़ी है जो सामने वाली खड़ी, इसका कुछ रूफ वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, फिएट पैंटा, तो ये कुछ देगा 2,242 बोल रहा है। 2,242 ये कितना बोल रहा है? हाँ बता भाई तेरा प्राइस बता, तेरा प्राइस बता। इसका ना गाड़ी का कंडीशन अच्छा है तो 2,242, तो ये बोल रहा है 2,422। मैं यही लेता हूँ, क्योंकि ना उसको लेके फिर जाके उसको रिपेयर करने में वही खर्चा आता है, तो मैं फालतू में नहीं करेंगे, बस यही ले लेंगे। एंटर द कार, अभी हम यही चलान करते हैं। कुछ प्रॉब्लम दिखा ना गाड़ी पे स्टार्ट होने पर, पता ऐसा ना हो फूक रही है गाड़ी। ये लोग इतने ट्रैफिक जमा के क्यों खड़े हैं? तुम लोग लग के रहो वहीं पे, मैं जा रहा हूँ। बाकी का स्टीयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है इस गाड़ी पे। हमने
ड्रिफ्ट मारे बगैर हम नहीं रहते गाइस, ड्रिफ्ट मारे बगैर। कस्टमर इन ऑफिस, मुझे जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा। कस्टमर एक है ऑफिस पे, कस्टमर ऑफिस पे। यहाँ पे ना मैं देखना भूल जाता हूँ कभी कभी। ड्रिफ्ट 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 है बट उतना खास ड्रिफ्ट नहीं है। अभी मैं सीधा गाड़ी लेके चलता हूँ, मतलब स्पीड बहुत ही कम है इसमें, क्योंकि 60-70 के बाद तो जाने में हो रही है गाड़ी। अबे 64 के बाद जा क्यों नहीं रही है? ठीक है, अपने गैरेज पे कस्टमर्स हैं, 3-4 लोग खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कस्टमर से बात करते हैं। अबे यार, कस्टमर्स के सामने मैंने गाड़ी पे ठोक दी, पता नहीं क्या समझेंगे वो लोग। मैं ना जल्दी गाड़ी को सेल पे लगा के आता हूँ। तो आ आंटी, आंटी कहाँ जा रही है? आ जा, गाड़ी देखे जा रही क्या ब्रो? 3500 से ये 2499, ठीक है मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। पहले ना कस्टमर्स को देखना चाहिए, वो कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है। तो ये 3500 में वो 244 दे रही थी, 256 दे रहा है, तो ठीक है, ये तो ठीक है। मैं इसको बेच के देखता हूँ। ये क्या बोल रहा था, 2800 बोल रहा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ। 2800 में अच्छी डील है, क्योंकि हमने उतने कम में ही लेके आए थे। फिर अपने पास था, इस गाड़ी को सेल पे लगाते हैं हम। मैंने उस गाड़ी पे ना थोड़ा सा ठोक दिया था, तो शायद इसलिए थोड़ा सा कम भी की, बट अब ओके थी, मतलब था प्राइस अपना भी। तो ये मैं लेके आया हूँ 2442, मतलब 2422 मैं इसको बेचता हूँ सेम प्राइस पे, 2500 पे भाई बेचते हैं। और देखते हैं कुछ बिक जाएगा तो मज़ा आ जाएगा आज भी, या हम आज भी रात को भी काम कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं घर पर जाके मैं सो, मतलब अभी क्या काम कर सकते हैं, कोई भी नहीं रहेगा ना शायद, कोई भी नहीं रहेगा गाइस। तो मैं क्या कहता हूँ, ऑफिस को बंद करके चलते हैं अभी, क्लोज ऑफिस, क्योंकि अगर मैं नेबरहुड के पास भी जाऊँ तो वो लोग गाड़ी लेके घर पे जाके सो चुके होंगे, वो कुछ लेंगे नहीं, मतलब बेचेंगे नहीं शायद। फिर मैं चलता हूँ अपने कंटेनर, तो होपफुली आज हमें देखते हैं कितना प्रॉफिट मिला होगा। आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा मिला, मैंने सोचा 7000 तक तो कर लेंगे, फिर अभी हम 6286 पे है, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। तो अभी हम देखो, फिर भी थोड़ी सी स्माइल आ चुकी है मेरे चेहरे पे, क्योंकि 4288 का प्रॉफिट है, मनी अर्न हमारा टोटल 9000 अर्न कर चुके हैं हम। फिर नेक्स्ट डे हम